दोस्तों आपने मेरी ये वीडियो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है आपने, आज से आप इस वीडियो को देखना जरूर स्टार्ट कर दीजिए। इसमें मैंने जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक हर एक पहलू पर मैंने डिस्कस किया है। मैंने टूल से लेके डिजाइनिंग तक सब कुछ इसमें बता रखा है इस वीडियो में, और इसको आपको जरूर देखना चाहिए। ये कोरल ड्रा की वीडियो है, 7.5 घंटे की वीडियो। इसको देखने के बाद आप कोरल ड्रा बहुत ही अच्छी तरीके से आप सीख जाएंगे। कोरल ड्रा सीखने के बाद अब बारी आती है डिजाइनिंग की, एक प्रोफेशनल डिजाइनर हम कैसे बने। तो आज हम बात करते हैं लेवल और पैकेजिंग डिजाइन की। ऐसी डिजाइन जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत हो बल्कि आपके प्रोडक्ट को भीड़ से बिल्कुल अलग बनाती हो। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कैसे आप भी अपनी पैकेजिंग और लेवल की डिजाइन को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने फूड कंपनी के लिए एक लेवल की डिजाइन बना रखा है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके की डिजाइन है ये। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके की डिजाइन बनाई गई है ये। तो इसको बनाने के लिए हमें किस किस मटेरियल की जरूरत पड़ती है, वो मटेरियल हम कहाँ से लेते हैं, ये सारी चीजें हम जानते हैं। अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको। अगर आप इसको देखें, ये उसी पैकेजिंग डिजाइन से रिलेटेड ये भी है, उसी कंपनी का। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है, इसका कलर कम्बिनेशन क्या रखा गया है, इसकी लेआउटिंग क्या रखी गई है, इसकी हायरार्की कैसी है, ये सारी चीज़ें आप आसानी से देख सकते हैं। और हम आगे देखते हैं कुछ पैकेजिंग की डिज़ाइन मैंने इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के लिए कुछ इस तरीके से बना रखा है। आप इसको देख सकते हैं कि इसका साइज़ क्या लिया गया, इसका कलर क्या लिया गया, इसकी हायरार्की कैसे रखी गई, इसकी लेआउटिंग कैसे है, वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें जो वर्डिंग है, ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप कहाँ से लाते हैं, कैसे लेते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इसको भी देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं कितनी लाजवाब, कितनी खूबसूरत डिज़ाइन, कितनी बैलेंस्ड डिज़ाइन है ये। अब हम बात करते हैं इस लेबल डिज़ाइन के बारे में कि ये लेबल की डिज़ाइन बनाने के लिए हमें किस किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, वो मटेरियल हमें कहाँ मिलता है, कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इसकी लेआउटिंग करते हैं, कलर कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये सारी बातें अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्लाइंट से क्या क्या चीज़ हम रिक्वायर करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर क्लाइंट कोई हमें मिलता है, वो कहता है कि इस तरीके के लेबल की डिज़ाइन बनाना है या पैकेजिंग की डिज़ाइन बनाना है हमें, तो उससे हम क्या क्या चीज़ मांगते हैं। तो उससे सबसे पहले मांगेंगे कि आप हमें प्रोडक्ट का नेम बताइए। प्रोडक्ट का नेम हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब आगे हो गया लोगो। अगर लोगो उसके पास है तो लोगो आप चाहे उसे PDF फॉर्मेट में हो तो PDF फॉर्मेट में, EPS में हो EPS में, PNG में हो या CDR फाइल में हो या AI फाइल में हो यानी Illustrator की फाइल हो या PSD हो, कोई भी फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में अगर लोगो की डिज़ाइन है तो उसको हम ले सकते हैं। अब अगला पॉइंट है साइज़ भी ज़रूरी है। अगर साइज़ नहीं पता रहेगा तो हम किस साइज़ में उसको बनाएंगे, तो साइज़ भी क्लाइंट हमें बताएगा। अगर क्लाइंट हमें साइज़ नहीं बताता है तो एक ऑप्शन हम ये ले लेते हैं कि उससे हम कह सकते हैं कि आप हमें प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर दीजिए, वो प्रोडक्ट हमें दे दीजिए कि जिसके लिए वो लेबल की डिज़ाइन या वो पैकेजिंग की डिज़ाइन बनाना है, वो आप हमें प्रोडक्ट दीजिए। तो प्रोडक्ट को ना तोल करके, उसका साइज़ ले करके हम अपने हिसाब से साइज़ बनाएंगे। एक ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट हो गया टेक्स्ट। ये टेक्स्ट हम कहाँ से लेंगे, टेक्स्ट उसमें जो बहुत सारे टेक्स्ट यूज़ किए गए होंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे फूड लेबल की डिज़ाइन है तो इसमें है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, ये टेक्स्ट, और ये इंग्रेडिएंट्स, ये सारे टेक्स्ट, और जैसे कोई इसके बारे में और कोई डिटेल हो, कंपनी का डिटेल हो, कोई फीडबैक के लिए कोई कॉन्टैक्ट डिटेल हो या कोई इंस्ट्रक्शन हो, कोई बारकोड वगैरह हो, ये सारी चीज़ें हम कंपनी से लेते हैं। और आगे हम देखते हैं ये प्रोडक्ट फोटोज़। हर कंपनी के पास अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो ज़रूर होती है। अगर फ़ोटो शूट किया हुआ हाई क्वालिटी में, हाई रेजोल्यूशन में अगर फ़ोटो मिल गई तो बहुत ही अच्छा है और ये ज़रूरी है। ये इससे कंपनी की पहचान बनती है। अगर हम गूगल से कहीं से इधर उधर से ले लेते हैं तो सच पूछिए तो वो मज़ेदारी उसमें नहीं रहती है। गूगल में हम वही फ़ोटो लेंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो। बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जो कि हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ोटो प्रोवाइड करती हैं, तो वहाँ से फ़ोटो हम ले सकते हैं। अदरवाइज़ और किसी वेबसाइट से जो कॉपीराइट हो तो कॉपीराइट वाली साइट से कभी भी फ़ोटो हम नहीं लेते हैं। अगर कोई फ़ॉन्ट आपका स्पेशल कोई फ़ॉन्ट हो तो आप हमें फ़ॉन्ट दे सकते हैं या फ़ॉन्ट का नाम बता सकते हैं।
अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शनल है। कोई कोई कंपनियां होती हैं उनका अपना कुछ स्पेशल उनका फ़ॉन्ट होता है तो वो हम फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आगे हम देखते हैं सजेस्टेड कलर। अगर कंपनी कहती है हमारी कंपनी का जो कलर है, जो स्टैंडर्ड कलर है, हम अपने हर डिज़ाइन पर ये कलर यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे एयरटेल कंपनी है, एयरटेल में क्या है कि रेड कलर यूज़ होता है। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका अपना अपना स्टैंडर्ड कलर होता है। तो अगर वो कलर बताता है तो ठीक है, अगर कलर नहीं बताता है तो ये भी ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम ही है अगर फूड कंपनी के लिए हमें बनाना है, फूड के लिए कोई पैकेजिंग डिज़ाइन बनाना है, तो उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसमें हम येलो यूज़ करते हैं, ब्राउन यूज़ करते हैं, रेड यूज़ करते हैं, डार्क येलो यूज़ करते हैं, ग्रीन यूज़ करते हैं, इस तरीके का कलर यूज़ करते हैं। वैसे भी हमें इसके बारे में मालूम हो गया। अब उससे क्लाइंट से हम मांगेंगे सैंपल, यानी कोई आपके पास अगर सैंपल है तो वो हमें सैंपल दिखाइए, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि आपका टेस्ट क्या है, आप किस हिसाब से किस तरीके की डिज़ाइन आप चाहते हैं। कभी कभी होता है कि हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन कर दिया तो पता चला कि क्लाइंट को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पता चला कि कलर उसका पसंद आया तो उसकी लेआउट ही नहीं पसंद आई, उसकी डिज़ाइन नहीं पसंद आई, उसके आर्टवर्क नहीं पसंद आया, या उसका आर्टवर्क पसंद आया तो उसका कलर नहीं पसंद आया। तो अगर वो कुछ सैंपल देता है तो ठीक है, चाहे वो गूगल से निकाल करके कहीं से सैंपल दे दे तो उससे मिलता जुलता, गूगल को कॉपी नहीं करना हमें, मिलता जुलता कुछ हम डिज़ाइन कर लेंगे, ये भी ऑप्शनल है, वो बताए या ना बताए। तो आपको इतनी चीज़ें क्लाइंट से हमें लेना है, एज अ डिज़ाइनर आपको किन बातों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले बारी आती है फ़ॉन्ट की। आपका जो फ़ॉन्ट होगा वो फ़ॉन्ट बिल्कुल अलग थलग फ़ॉन्ट होना चाहिए, बिल्कुल डेकोरेटिव खूबसूरत फ़ॉन्ट होना चाहिए। ये फ़ॉन्ट समझ लीजिए कि आपके डिज़ाइनिंग में चार चांद लगाता है। फ़ॉन्ट बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके डिज़ाइनिंग में, इसलिए फ़ॉन्ट का सिलेक्शन जो है बहुत मस्ट है। ये फ़ॉन्ट हो गया। फिर दूसरी बात ये हो गया आपका टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी हो गया, टाइपोग्राफी भी आपकी डिज़ाइन को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएगा ये। और कलर जो होता है, कलर तो वाकई में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिज़ाइनिंग में। कलर कॉम्बिनेशन आपका एकदम परफेक्ट है, बैलेंस है, समझ लीजिए कि डिज़ाइन आपकी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। और उसके बाद है लेआउटिंग, कि आपने लेआउटिंग कैसे किया है, किस तरीके की लेआउटिंग है आपकी, ये भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इन चार पांच बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो आपकी डिज़ाइनिंग बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही आई कैचिंग डिज़ाइन होगी। और लास्ट में हायरार्की, हायरार्की का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब हायरार्की क्या होता है, हायरार्की में हम ये देखते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ रखना है, कहाँ पर हमें लोगो रखना है और कहाँ पर हमें प्रोडक्ट का नेम रखना है, प्रोडक्ट का नेम कितना ज़्यादा हाईलाइट करना है, कहाँ पर हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देना, जैसे इंग्रेडिएंट्स हो गया, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन हो गए, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, ये सारी चीज़ें, उसकी लेआउटिंग किस तरीके से करना, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ रखना, किस चीज़ को स्टैंड आउट करना है, किस चीज़ का कलर बहुत ही अट्रैक्टिव रखना है, किस चीज़ का कलर थोड़ा डल रखना है, इन सारी बातों का ख्याल रख करके हम अपनी डिज़ाइन बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिज़ाइन अगर हम बनाएं तो कहाँ से आइडिया लें। इसमें एक पॉइंट और जोड़ते हैं, वो हम लेते हैं आइडिया। तो आइडिया लेने के लिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं गूगल पर। लिखता हूँ मैं फूड लेबल डिज़ाइन, मैंने सर्च किया था तो कुछ इस तरीके से। अब हम फूड लेबल की डिज़ाइन को ऐसे सर्च करेंगे, यहाँ इमेज पर चलेंगे। इमेज पर चलने के बाद यहाँ से हम दो चीज़ों की आइडिया लेंगे। वो कौन सी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है इसकी लेआउटिंग, इसकी डिज़ाइनिंग देखेंगे, और दूसरा हम कलर देखेंगे, कलर भी हम यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए जैसे हम यहाँ चलते हैं, यहाँ चलने के बाद देखेंगे कि अब आपने देख लिया कुछ इस तरीके के ऐसे डिज़ाइन है। थोड़ा सा हमें आइडिया देखना है कि देखिए इसने क्या किया कि जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट को अलग ले लिया छोटे बारीक लेटर में, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है अलग ले लिया, प्रोडक्ट का नेम उसने हाईलाइट करके यूँ लगाया, तो इतना हमें आइडिया मिल गया यहाँ से। प्रोडक्ट की फ़ोटो उसने हाईलाइट करके लगाया, प्रोडक्ट का नेम हाईलाइट करके लगाया। और आगे भी देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारी डिज़ाइन है, इसको भी हम एक एक करके देख सकते हैं, तो यहाँ से हमें काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे। अब हम डायरेक्ट चलते हैं इस साइट पर, यानी पिंटरेस्ट है ये, पिंटरेस्ट की साइट पर हम चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं, जैसे अब हम इसको लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि इन्होंने बीच में, जैसे ये जो लेबल की डिज़ाइन, ये भी लेबल की ही डिज़ाइन है, ये लेबल की डिज़ाइन ये किसी बॉटल पर पेस्ट करने के लिए है, ये बॉटल के लिए है ये। तो यहाँ सेंटर में इसने जो है प्रोडक्ट का नेम बड़ा सा लिख दिया, फोटो लगा दिया, ये कितना हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ से आपको बहुत सारी आइडियाज़ इस तरीके से
मिल गई। अब जैसे इसको देखते हैं हम सन बाइट्स, अब देखिए कितनी लाजवाब कितनी खूबसूरत डिजाइन बनी हुई है। अब इसका कलर देख लीजिए किस तरीके का कलर लिया गया है और कैसे लेआउटिंग की गई है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो इसमें जो है आपको कलर का भी कुछ आइडिया मिल रहा है और लेआउटिंग का भी कुछ आइडिया इसे मिल रहा है। इसी तरीके से और भी देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ों की आइडियाज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ देखें इस तरीके की डिज़ाइन देख लीजिए ये कैसे बनाई गई हैं। अब हम इसको चलिए थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। यहाँ अगर हम देखते हैं इसमें कई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। एक तो इसका कलर समझ में आ गया, कलर क्या लिया गया, जैसे ये आलमंड है, ये रोस्टेड आलमंड लिखा हुआ है, बादाम है, ये बादाम का जो कलर होता है उसी कलर से रिलेटेड इसका बैकग्राउंड डार्क करके लगा दिया गया है। यहाँ पर इसी कलर से थोड़ा सा ग्लो दे दिया है, तो ग्लो देने से इसमें थोड़ी सी चमक सी आ गई। और यहाँ जो दिया गया है यहाँ बिल्कुल इसका कंट्रास्ट कलर, इसका बैकग्राउंड बिल्कुल कंट्रास्ट और कलर भी देख लीजिए बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल कंट्रास्ट दे दिया गया है। तो अब इससे यहाँ पर क्या ये शो कर रहा है, जैसे आलमंड है ये बादाम है, तो बादाम का पौधा है, इसमें बादाम लगा हुआ भी है, उसका फूल है, कुछ इस तरीके से कंट्रास्ट हो गया, एकदम सुपर बहुत ही कमाल का लग रहा है ये। इसी तरीके से आप इसमें भी देख सकते हैं कि बादाम का रोस्टेड आलमंड ये भी है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लेआउटिंग और कलर दे रखा है। या यहाँ पे आप देख लीजिए ये लिखा हुआ है शुद्ध हार्वेस्ट लिखा है, वॉलनट कर्नल, ये ड्राई फ्रूट का जो कलर है उसी कलर से रिलेटेड यहाँ पर कलर दिया गया है। और कुछ इस अंदाज में देखिए कुछ जिगजैग करके इसे एक ऐसे डिजाइन बना, तो यहीं से कलर लिया गया, यहीं से पिक करके और लोगों को भी हाईलाइट किया गया। और यहाँ पर जो है हमारा प्रोडक्ट का नेम हाईलाइट किया गया, इसी से रिलेटेड इसमें कलर कर दिया गया। तो आपको यहाँ से भी बहुत सारी आइडियाज़ मिल गई। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो समझ लीजिए कि पिंटरेस्ट ऐसी साइट है, इस पर पूरा भंडार भरा होता है। आप यहाँ से बहुत तरीके के जो है आप आइडियाज़ ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ देख लीजिए ये भी कमाल का लग रहा है, देखिए ये किस तरीके से इसने बनाया है। यहाँ पर ग्रीन कलर में कुछ बड़ा बड़ा सा लिख दिया, देखिए इससे भी काफ़ी आपको आइडिया मिल गई। तो ग्रीन कलर में देख लीजिए कुछ अजीब तरीके का अलग थलग फोंट लिया है इसने, फोंट भी देख सकते हैं ना, सबका फोंट जितना भी देख रहे हैं आप फोंट पर भी आप नज़र मारते चलिए कि किस तरीके का फोंट है। ये फोंट लगा करके बड़ा सा, मान लीजिए कि चाहे कंपनी का नेम हो या प्रोडक्ट का नेम हो, बड़ा सा करके हाईलाइट करके हल्का सा नेम दिख रहा है, बस ऐसे एक टाइपोग्राफी टाइप कैसे लगा दिया, तो ये खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगा दिया। हालांकि ये रीड करने में नहीं आ रहा है कि पूरा नाम क्या लिखा हुआ है, ये इसमें समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ ये खूबसूरती के लिए इस तरीके से लगा दिया गया। कलर देखिए डिफरेंट टाइप का कलर हो गया। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तरह तरह की डिज़ाइन आपको इसे मिल जाएंगी, बहुत ही कमाल की डिज़ाइन इसमें मिल जाएंगी। तो आपने इसमें ये भी देखा कि जो हम प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट का जो कलर रहता है या जो फ़ोटो इसमें हम यूज़ करेंगे, फ़ोटो का जो कलर रहता है उसी कलर से रिलेटेड हम सारा कलर यूज़ करेंगे। जैसे ये देखेंगे ये इमेज लगी हुई है ये पर्पल शेड में, तो इमेज से कलर पिक करके इस तरीके का इसका बैकग्राउंड बनाया गया, यहाँ पर कलर लिया गया, कुछ इस तरीके से बनाया गया। तो चलिए हम देखते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। जैसे ये हमारी डिज़ाइन है तो इसमें से हम एक डिज़ाइन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यही वाली डिज़ाइन ले लेते हैं, ये इस डिज़ाइन को ले करके नए पेज पर चलते हैं। यहाँ नए पेज पर चले, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर सबसे पहले क्या प्रोडक्ट का नेम, और इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ या यहीं पर ले लेता हूँ इसको। यहाँ सबसे पहले क्या प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का नेम क्या है, चिकन रोली पोली लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में लोगो है, ये देखेंगे लोगो। फिर उसका साइज़ है ना, साइज़ क्या हो गया, साइज़ क्या लेना है इसका, इसका पहले हम देख लेते हैं। क्लाइंट ने हमें बताया था कि 65x85 mm हमें लेना है, 65x85 इतना बड़ा हमने बॉक्स ले लिया। बॉक्स लेने के बाद अब इसके करीब में थोड़ा सा हम रख लेते हैं। तो जो मैंने ये डिज़ाइन बनाया ना, सच पूछिए इसमें मैंने क्या क्या यूज़ कर रखा है, वो सारी बातें आप जान लीजिए। जैसे ये पिक्चर है, ये पिक्चर क्लाइंट ने नहीं दिया था, मैंने फ्री पिक साइट से ले रखा है। इसमें ये भी पिक्चर फ्री पिक से ले रखा है, इसमें अंदर में एक पिक्चर और लगी हुई है, ये कहीं और से मैंने ले रखा है, शायद मैंने पिंटरेस्ट से ले रखा है, ये उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा है किस टाइप की पिक्चर है, इसलिए मैंने इसे लगा दिया है। हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा साइज़ है, साइज़ के अकॉर्डिंग हम लेआउट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखते हैं इसको, ये वाली डिज़ाइन देखते हैं, ये बड़ी वाली डिज़ाइन, सेम ये भी वही है, वही सेम चीज़, सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह जितने टेक्स्ट वगैरह हैं सब कुछ वही है इसमें भी, लेकिन ये थोड़ा इसका साइज़ अलग है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने कुछ इस तरीके से ले रखा है। और यहाँ अगर आप देखें, यहाँ
इसको अगर आप देखते हैं इसमें, तो इसमें क्या है, इसको मैंने अगल बगल यहाँ और यहाँ ले रखा है, मैंने इसको ऊपर नीचे लगा रखा है, तो जैसा साइज होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो मैंने बताया कि आइडिया आपको नेट से लेना है या पिंटरेस्ट साइट से जाके लेना है, शुरू शुरू में आप जब नए रहेंगे तब तो आप जाके ले सकते हैं, आप देखेंगे आपको बहुत तरीके के आइडियाज़ मिल जाएंगे, आप ऐसे बनाते बनाते उसको देखते देखते करते करते आप एक दिन इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आपको उतना ज़्यादा रेफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं से आइडिया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, मैटर देखते ही आप समझ जाएंगे आपको क्या करना है। तो मैंने ये सब कहीं से आइडिया नहीं लिया था, ऐसे ही बस बैठा बनाने के लिए तुरंत ऐसे डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। ये जो प्रोडक्ट की फ़ोटो है, प्रोडक्ट की फ़ोटो वगैरह पहले निकाला, निकालने के बाद वो मैंने टेक्स्ट देखा, टेक्स्ट कैसे है, किस तरीके से है, प्रोडक्ट को हमने हाईलाइट करने की कोशिश किया कि हाईलाइट ऊपर कर दूं और वहीं पर उसका नाम लगा दूं, क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग हमें इसको देखना है। ये फ्री हैंड टूल ले लिया, फ्री हैंड टूल ले करके यहीं से एक काम किया मैंने, ये ऐसे कुछ इस तरीके के कर्व लाइन बना ली। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। और ये वाला टूल लेंगे स्मार्ट फिल टूल, यहाँ पर इसे कलर फिल कर देंगे, यानी एक ऑब्जेक्ट इसमें बन गया। अब इसको आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद एक बार और इसे क्लिक करेंगे तो ये वाला इसकी वाला पॉइंट पकड़ करके इसको नीचे इसे राइट क्लिक कर देंगे, इसे राइट क्लिक करके यहाँ से भी हल्का से इसे इसक्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको यूँ कर लेंगे, नीचे इसे कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। कलर मैंने लिया था, एक डिज़ाइन मैंने यहाँ पर लगा रखा है, इस डिज़ाइन से मैंने यहाँ से कलर ले करके इसी को मैंने इसको डार्क कर दिया था, यहाँ से मैंने ले रखा है। तो मैंने सोचा कई शेड में हमें बनाना है, कई कलर में बनाना है, तो उसी हिसाब से अगर आप यहाँ देखें तो मैंने कई कलर में ये बना रखा है ना, इसको देखें, इसका कलर देख लीजिए, इसका कलर देख लीजिए, इसका देख लीजिए, इसका देख लीजिए, इसको देखिए, इसको देखिए, सब जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर में हमें बनाना था। यहाँ अगर आप देखें इसको, तो यहाँ से मैंने कलर ले रखा है यहाँ से, तो इसको मैं दिखाता हूँ कैसे कलर लिया। तो यहीं से कलर ले करके मैं यही वाला इसे ले लेता हूँ, पिक करके यहाँ मैं लगा देता हूँ यहाँ, लेकिन ये अब इसमें फिल हो रहा है कलर, इसको ले करके इसको मैं बैक में सेंड करता हूँ, अब दोबारा यहाँ से लेता हूँ, लेने के बाद इसमें फिल कर दिया। और यहाँ पर हम कोई भी कलर ले लें, अभी फ़िलहाल इसमें हम कोई भी ऐसे कलर ले लेते हैं। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके यहाँ लेके आए, अब इसको हम बैक में सेंड करते हैं, बैक में सेंड करने के बाद W प्रेस करके इसके अंदर में लेके जाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से इसमें लगा दिया। ये भी आपने देख लिया कि किस तरीके से ये इसमें लगाया गया। और अब ये जो लिखा हुआ है चिकन रोली पोली, अच्छा हाँ, एक काम और करते हैं, तो ये सब पहले न लिख करके पहले हम बना लेते हैं इसका पूरा लेआउट बना लेते हैं, जैसे ये बना हुआ है इसको भी हम यहाँ पर बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि कितनी हमारे पास जगह बच रही है, उसी जगह के अकॉर्डिंग जो है ये हम बॉक्स बना करके ये सारे डिटेल इसमें हम डालेंगे। तो यहाँ भी ऐसे हम कर लेते हैं इसे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मैंने एक शेप बना लिया, और आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, इसको डिफरेंट टाइप के भी शेप बना सकते हैं। यहाँ दोनों जगह क्लिक करके इस पॉइंट को इसे मैं हटा रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से बनाया गया, फिर वही दोबारा वही ऑप्शन ऐसे लेता हूँ और इसको मैं इसे हटा देता हूँ, इस वाले पॉइंट लाइन को हटा देता हूँ। और इसमें भी मैंने क्या कर रखा था, ऐसे क्लिक करके कुछ इस तरीके ऐसे कर दिया। अब इसमें जो कलर डालूंगा वो ये वाला कलर डालूंगा, ये ऐसे कलर डाल दिया, और इसमें जो कलर डालूंगा ये वाला कलर डाल दिया ऐसे। अब इसको बैक में सेंड करना है, इसको हमें ऊपर लेना है ऐसे, या अभी चाहें तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, यूँ जो है ऐसे बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो ब्लीड बढ़ाने में हमें काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। ये याद रखें, ब्लीड के लिए कुछ इस तरीके से आप पहले से ही करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये इतना आपको आपके सामने बनके तैयार हो गया। अब ये लोगो हम ले लेते हैं, लोगो यहीं पर ऐसे हाईलाइट करके बड़ा सा करके यहाँ पर हम लगा देते हैं। और ये जो लिखा हुआ है चिकन रोली पोली, ये भी हम ले लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं चिकन रोली पोली। तो अब कंट्रोल के करके इसको हम अलग कर लेते हैं। तो मैं दिखाता हूँ ये फ़ॉन्ट कौन सा है, पहले आप देख लीजिए, लिखा है अबेंडन, इस फ़ॉन्ट को यहाँ से लेते हैं, अबेंडन फ़ॉन्ट हो गया। अब ये जो है बेडा बूम करके फ़ॉन्ट है, ये हम ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसको हमने यहाँ रख दिया, ये देख लीजिए
इसको यहाँ पर रख दिया कुछ इस तरीके से। यहाँ रखने के बाद आप इसको बड़ा कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद आप इसको क्या करें, ग्रुप कर लें। इसे ग्रुप करने के बाद ना आप देखेंगे ये वाला टूल लेंगे कंटूर। कंटूर टूल लेने के बाद ना इस जैसे बाउंड्री बनी हुई है चारों तरफ आउटलाइन, तो ये बाउंड्री बनाने के लिए कंटूर टूल से बनाते हैं। लेकिन ये वाला जो फॉन्ट है ये ग्रंज स्टाइल का फॉन्ट है, तो ग्रंज स्टाइल फॉन्ट होने की वजह से इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अच्छा, इसको एक काम करें, इसको ग्रुप में रखें, याद रखें। ग्रुप करके कंट्रोल टूल लेने के बाद इसको हम इसे ड्रैग करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। तो आपने देख लिया कुछ इस तरीके से, इसमें मैंने एक आउटलाइन ऐसे बना लिया। यहाँ से देखने 1.6 mm, और ये राउंड वाला ऑप्शन ले लिया, कंटूर कॉर्नर, इसको राउंड वाला ऑप्शन ले लिया, तो कुछ इस तरीके से बन गया। अब इसको कंट्रोल के कर देते हैं, और इसमें जो कलर लिया था, कलर जो है यहीं कहीं से इसे पिक करके मैंने लिया था, थोड़ा सा ये वाला कलर, तो यही वाला कलर मैं भी ले लेता हूँ ऐसे, या हम यहाँ से ले लेते हैं। और ये वाला जो ना नीचे वाला, हम चलते हैं नीचे वाला जो कलर करेंगे, नीचे वाला यही वाला कलर। एक चीज़ ये भी आप जान लीजिए कि जो भी कलर आप इस डिज़ाइन में यूज़ करेंगे यहाँ पर उसकी लिस्ट बनती चली जाएगी इसे, ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा पहले से। और इस फॉन्ट को भी हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब ये वाला कलर ले लेता हूँ मैं, तो एक ये कलर ले लिया, तो कंट्रोल यू करता हूँ मैं। कंट्रोल यू करने के बाद देखेंगे इसमें इसमें काफ़ी फ़र्क है, इन दोनों में अगर देखें तो काफ़ी फ़र्क है। ये फ़र्क जो है इसलिए नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसमें ड्रॉप शैडो दिया गया, इसे हम ड्रैग करके हल्का सा जो है ऐसे ड्रॉप शैडो देते हैं, तो अब देख रहे हैं बिल्कुल चमक आ गई इसमें, जैसे इसमें इसे इसमें भी चमक आ गई। तो आप कंट्रोल के कर दीजिए, ये ड्रॉप शैडो का जो ऑप्शन था ये ड्रॉप शैडो ये अलग हो गया। अब चाहे इस फॉन्ट को आप अभी ऐसे रहने दें या इसको कर्व कर लें, और इसको ग्रुप करके इसको थोड़ा छोटा करके हमने यहाँ पर लगा दिया ये कुछ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा इसे घुमा दिया इसे, और यहाँ पर ये रेट इसका लिखा गया है, रेट यहाँ पर रख लेता हूँ। और ये जो इसका लोगो है, लोगो मैं यहाँ भी रख लेता हूँ, कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम, इसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं रख देता हूँ। अगर आपके पास जगह हो तो और भी इसको बड़ा कर सकते हैं, ये कंपनी का नाम वगैरह इसको और बड़ा कर लें। और अब ये इतनी जो जगह बच रही है, इस जगह में हमें क्या करना है, ये जो एक बॉक्स बना हुआ है इसको देख लीजिए आप, एक बॉक्स बना हुआ है, ये 25x12 mm में बना है। तो क्लाइंट ने हमें ये कहा था कि इस तरीके का हमें इसे बॉक्स चाहिए, ठीक है, ये बॉक्स हमें हर हाल में चाहिए, तो ऐसे में बॉक्स इसे बना लेता हूँ, ठीक है। अगर इसके अंदर हम चल के देखते हैं, यहाँ पर इसके अंदर हम चल के देखते हैं, तो अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से देख लीजिए कि कैसे एक डिज़ाइन बनी हुई है, क्या चीज़ है ये, किस तरीके ज़िगज़ैग करके डिज़ाइन बनी है, इससे काफ़ी खूबसूरती बढ़ रही है डिज़ाइन में। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करके लेते हैं, यहाँ कॉपी करके यहाँ लेके यहाँ आता हूँ मैं, और इसको मैं दिखाता हूँ अभी, ये देख लीजिए ये क्या बना हुआ है, ये थोड़ा अलग अलग सा है, इसको देखेंगे अलग है, ये अलग है, ये इस तरीके से अलग अलग है। तो इसको हम कहाँ से लेके आएंगे या कैसे बनाएंगे, हम चलते हैं यहाँ पर गूगल पर, गूगल पर हम सर्च करते हैं, लिखते हैं टॉर्न पेपर वेक्टर, टॉर्न पेपर वेक्टर मैंने इसे सर्च किया था। अब यहाँ ये पहली साइट है फ्री पिक पर चलते हैं। फ्री पिक ऐसी साइट है, इससे हमें काफ़ी सहूलियत मिल जाती है, बहुत लाजवाब साइट है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें फ्री में मिल जाती हैं, और बहुत सारी इसमें आइडियाज़ भी मिल जाती हैं कि आइडिया कैसे लें, हम कैसे अपनी डिज़ाइन बनाएं। तो यहाँ से आप जो है कोई भी चीज़ ले लें, जैसे ये है ये ले सकते हैं, मुझे लगता है मैंने यही वाला लिया था या ये वाला लिया था, कहीं से आप इसे ये डाउनलोड करके, ये बिल्कुल फ्री में है, डाउनलोड करके आप इसको कोरल में डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। और इसको मैंने दोनों तरफ इसे घुमा करके कुछ इस तरीके से बना दिया था। अब मैं इसको यहाँ लेके चलता हूँ, यहाँ ऐसे लगाने से क्या हुआ, थोड़ा सा इसमें लुक बढ़ गया ये। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके ऐसे करता हूँ, दोनों तरफ से इसको दबा रहा हूँ, इसे दबा के इसके राइट क्लिक किया, यानी एक कॉपी ले लिया, यहाँ पर वाइट कर दिया, वाइट करने के बाद इसमें भी कलर कर लिया, मतलब दोनों को सेलेक्ट कर लिया, सॉरी दोनों को सेलेक्ट करके W प्रेस करके अब इसके अंदर मैं डालता हूँ, और इसके अंदर चला गया, फिर यहाँ इसके अंदर चल करके ये वाला जो है अब ऊपर ले लेता हूँ, इसे ये ऊपर ले लिया। और अब एक काम हम और करते हैं कि इसमें हम शैडो दे देते हैं, शैडो यहाँ चल, शैडो वाला टूल लेकर के ये स्मॉल ग्लो में चलते हैं, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये करना ज़रूरी है, और यहाँ से 5 कर लेते हैं हम, और यहाँ से 100 ना करके 70 कर लें काफ़ी। फिर इसके अंदर चलते हैं हम दोबारा, चलने के बाद ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को यहाँ से हम कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, अब इसको हम लाते हैं यहाँ, और इसको बैक में सेंड करके इसको हम लेते हैं इसके अंदर, ये मैंने इसके अंदर ले लिया, फिर बैक में सेंड कर दिया, और इसी को मैंने यहाँ कॉपी कर लिया,
फिर इसमें भी बैक में सेंड कर दिया। ये हम कैसे बनाएंगे इसको भी देख लीजिए। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये जो जगह बची हुई है इतनी दूर में हमने ये सब बना दिया। यहाँ देख लेता हूँ कि कितनी जगह बची है, तो ऐसे कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ। मान लीजिए कि थोड़ा सा ऊपर भी ये चला जाएगा तब भी कोई इतना ज़्यादा हर्ज नहीं है। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पर ला करके कुछ इस तरीके से ऐसे रख लेता हूँ, और इसको यहाँ भी रख करके देख सकता हूँ ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको मैं यहाँ से छोटा कर लूँगा अभी, क्योंकि हमें वो भी लेना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन भी हमें लेना है, तो इसको मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लूँगा। यही मिलता जुलता कलर हम ले लेंगे, जैसे यही वाला कलर है ये। अब इसको थोड़ा सा लाइट कलर यहाँ से कर लेंगे हम, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मिलता जुलता हमने कलर ले लिया। और इसका आउटलाइन मैंने हटा दिया, अगर आप चाहें तो ये पूरा यहाँ से उठा करके आप इसे ले सकते हैं। तो ये भी आपने देख लिया कि किस तरीके से लगा दिया गया। और यहाँ देख लीजिए आप ये किस तरीके से बनाया गया है। अगर इसको मैं दिखाऊं आपको कि कैसे बनाया गया है, तो आप इसका साइज़ ले सकते हैं या इसका साइज़ ले सकते हैं, जहाँ पे जितनी दूर में आपको ये रखना है तो उसका साइज़ ले करके आप इसे अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। जैसे इतनी दूर में आपको रखना है ये, तो आपको क्या करना है, इसको देखेंगे, इसको काउंट करेंगे, तो इसमें 11 पॉइंट बने हुए हैं, यानी 11 बॉक्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ डिवाइड बाई 11 देता हूँ, डिवाइड बाई 11। तो इस तरीके से ऐसे बनाया, और बनाने के बाद कुछ इस तरीके से ऐसे कर दिया ऐसे। यहाँ से एक गाइडलाइन ऐसे ले लेना, यहाँ रख देना है। गाइडलाइन लेने के बाद इसको हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको इधर लेके आएंगे, तकरीबन यहाँ ले आए। यहाँ लाने के बाद इसकी एक कॉपी करते हैं हम, इसे कॉपी करके यहाँ से इसको हम यहाँ ऐसे लेके आएंगे, और ये वाला हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद इसका जो साइज़ है, यहाँ से हमने साइज़ कॉपी कर लिया और इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखेंगे एक्सिस वाला पॉइंट है ये, यहाँ पर ये पॉइंट बना हुआ है, तो इसको हम लेफ्ट वाला, सेंटर लेफ्ट वाला यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। और इसमें मैंने कर दिया इसे पेस्ट, जो मैंने कॉपी किया, सॉरी इसमें नहीं बल्कि है, इसमें मैंने कर दिया पेस्ट, ऐसे ओके कर दिया। अब इसी के बराबर ये बनके तैयार हो गया। अब ये कलर लेना हो तो आप अपने हिसाब से, जैसे ये वाला कलर है, यही वाला लाइट कलर करके आप ऐसे डाल सकते हैं इसमें, ये कुछ इस तरीके से ऐसे आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें जो दिया गया है, इसका आउटलाइन का साइज़ जो दिया गया है, उसको तकरीबन 3 कर लेते हैं, और यहाँ से कोई ऐसे कलर कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। आप देख रहे हैं ये कैसे बना दिया गया, तो आपको आइडिया मिल गया। तो बाकी मैं ये सारा चीज़ जो है इसे उठा करके यहाँ पर ला करके इसे रख लेता हूँ, अब कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और ये भी ध्यान रहे कि इसका अलाइनमेंट जो है कुछ इस तरीके से होना चाहिए। इसका अलाइनमेंट भी आपने देख लिया। अगर हम चाहें इसको थोड़ा सा, ये जगह काफ़ी है, हम ऐसे कर लेते हैं। और अब जो है क्या बचा, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को यहाँ से हम ले करके यहाँ हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए बिल्कुल डिज़ाइन आपकी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से ये डिज़ाइन आपकी बन गई है। इसको प्रिंटेबल फाइल बनाना, याद रखिए इसको, अब हमें प्रिंटेबल फाइल बनाना है, इसको प्रिंट के लिए सेंड करना है। तो कैसे हम ब्लीड बढ़ाएंगे, कैसे हम पीडीएफ बनाएंगे हाई रेज में, चलिए हम दिखाते हैं। अब इसको कॉपी करके इसको हम लेते हैं एक नई फाइल में, इसको सब कुछ सेलेक्ट करके कंट्रोल यू कर लेना है। कंट्रोल यू करने से क्या हो गया कि ये जो है अनग्रुप हो गया। अब ऑल्ट EAT कर रहा हूँ मैं, ऑल्ट EAT यानी जितने भी फॉन्ट लगे हुए हैं इसमें सारा फॉन्ट सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल क्यू कर देता हूँ यानी कर्व कर देता हूँ, कंट्रोल XC कर दिया। अब इस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब इसमें कोई भी फॉन्ट नहीं रह गया है, सारे फॉन्ट ऑलरेडी कर्व हो चुके हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इतना हमें आइडिया हो गया। अब ये जो साइज़ है, इसका साइज़ अगर हम देखें, अच्छा हाँ, इसको इसके अंदर हमें डालना था, ये मैं भूल गया, ये रह गया था, इसको इसके अंदर डाल देता हूँ मैं। और आपको बताऊँ कि ये जो डिज़ाइन है ये वाली, इसको भी अगर हम चाहें तो थोड़ा सा इसे बड़ा कर सकते हैं। आप हमेशा इसको बड़ा करके ही रखिए ताकि ब्लीड बढ़ाने में कोई दिक्कत ना रहे। इसका साइज जो है यानी 65-85, ये पेज का साइज़ यही हम बना लेते हैं, 65 और 85 में बना लेता हूँ। तो अब बारी है इसकी ब्लीड बढ़ाने की। तो ये मैंने अनग्रुप कर रखा है, ये बाहर वाला ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल क्यू कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल क्यू कर दिया, ये वाला टूल ले लेते हैं, शेप टूल। शेप टूल लेने के पहले यहाँ पर मैं काम करते हैं, यहाँ नज डिस्टेंस में यहाँ पर लिख देता हूँ 3 यानी 3 mm लिख देता हूँ मैं। इसको सेलेक्ट करके अब करता हूँ यहाँ से, देख लीजिए आप, ऊपर वाले दोनों को सेलेक्ट किया ऐसे, मैंने ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट किया। अब इसको मैंने एरो की से ऊपर ऐसे किया,
फिर टैप प्रेस किया, फिर इधर किया, फिर टैप प्रेस किया इधर, फिर टैप प्रेस किया इधर, इस तरीके से ये जो है हमने ब्लीड बढ़ा दिया। लेकिन अभी इसमें हल्की सी कुछ कमी नज़र आ रही है। कमी क्या है? वो जो है ये जो दिख रहा है इतना, ये दिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, इसे डबल क्लिक करके आप जो है कुछ इस तरीके से ऐसे बढ़ा सकते हैं इसको, और इसको आप ऐसे ले सकते हैं, इसको भी आप कुछ इस तरीके से ऐसे ले सकते हैं। डबल क्लिक करके हमने ऐसे कर दिया, ऐसे इसको भी करना है। इतना आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बढ़ा रखा था, इसीलिए मैंने इसको बड़ा कर दिया था ताकि ब्लीड बढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये ब्लीड आपकी बढ़ करके तैयार हो गई। और यहाँ से चाहें तो इसकी जो आउटलाइनिंग, यहाँ से आप नन कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर व्यू में चलेंगे, व्यू में चलने के बाद पेज लिखा हुआ है, यहाँ ब्लीड लिखा है, तो इस पर आप चलेंगे, यहाँ डॉट डॉट लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब ये हुआ आपकी एक्चुअल डिज़ाइन जो है ना, एक्चुअल साइज़ आपका ये है, ये इतना एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा हुआ है। यहाँ से जब कटिंग करेंगे तो कटिंग में ये यहीं से कटिंग होगा, ये एरिया निकल करके बाहर हो जाएगा, यानी ये फ्लैश कट बन जाएगा। याद रखिए, ये फ्लैश कट में बन के तैयार हो जाएगा ये। तो अब हम चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ PDF, यानी पब्लिश टू PDF करते हैं। पब्लिश टू PDF करने के बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इसका नाम देते हैं चिकन रोली पोली, लिख देता हूँ मैं चिकन रोली पोली। और यहाँ चलते हैं, यहाँ चलने के बाद ले लेते हैं यहाँ PDF/X/1A, ये वाला लेना ज़रूरी है। अब सेटिंग में चलेंगे, सेटिंग में चलने के बाद आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। और यहाँ से आउटपुट कलर्स एस CMYK ये रहना ज़रूरी है। अगर CMYK नहीं होगा तो वो RGB में होगा, तो RGB ठीक नहीं है, CMYK होना ज़रूरी है। जैसे वहाँ पर कोई कलर RGB में भी जा रहा होगा तो यहाँ पर अपने आप ये कन्वर्ट कर देगा। अब डॉक्यूमेंट में चलते हैं, यहाँ भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है पेज ओनली, यानी जो हम बना रहे हैं तो सिर्फ पेज ही लेना है, पेज के बाहर का कोई आइटम नहीं लेना। अब ऑब्जेक्ट पे चलेंगे, ऑब्जेक्ट में भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कलर, ग्रे स्केल, मोनोक्रोम, ये सारी चीज़ें जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आ रहा है इसको जाने दीजिए। अब चलते हैं प्रीप्रेस में, यहाँ देखना ज़रूरी है। यहाँ लिखा ब्लीड लिमिट, ब्लीड लिमिट को हम कर देते हैं यहाँ पर 3, क्योंकि हमने 3 mm का बनाया था, 3 mm कर दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रॉप मार्क, प्रिंटर्स मार्क लिखा है, क्रॉप मार्क, यहाँ पर क्रॉप मार्क कर दिया। अब यहाँ पे लिखा रजिस्ट्रेशन मार्क, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मार्क अगर आपको देना है तो ठीक है, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रॉप मार्क लगाना ज़रूरी है, इससे पता चलेगा कि कहाँ से कटिंग होना है, ये होना ज़रूरी है। तो चलिए इसको हम कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद अब इसको कर देते हैं सेव। सेव करेंगे तो अभी ये जो है बन करके तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के आपका तैयार हो गया, ये बिल्कुल प्रिंटेबल फाइल बन गई। आपने ये देख लिया आपके सामने, मैंने एकदम ज़ीरो से शुरू किया, एकदम लास्ट तक आपको दिखाया कि किस तरीके से ये डिज़ाइन बन करके आपके सामने तैयार हो गई। और ये प्रिंटेबल फाइल भी बन गई, आप इसको कहीं भी प्रिंट करने के लिए दे सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन मार्क हो गया, रजिस्ट्रेशन मार्क से कलर का मिलान करते हैं, आपको मालूम हो तो कलर इससे मिलाते हैं। अगर हम देखें ये जो रजिस्ट्रेशन मार्क बना हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन मार्क जो होता है इसमें चारों कलर 100% में जाते हैं। तो ये हम कैसे जानेंगे कि इसमें कलर चारों 100% है या नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर से मैं इसको दिखा देता हूँ, आप चलेंगे टूल में, टूल में चलने के बाद यहाँ चलेंगे प्रिंट प्रोडक्शन, और यहाँ चलेंगे आउटपुट प्रीव्यू, ये दिखाई दे रहा है। तो आप जो है ना ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये है कि सियान, सियान को इसको हटाएंगे तो पता चलेगा कि इसमें सियान नहीं है, सिर्फ जो है मैजेंटा, येलो और ब्लैक है। और इसको भी हटाएंगे तो अब पता चलेगा येलो और ब्लैक है, और इसको भी हटाएंगे तो अब लग रहा है कि सिर्फ ब्लैक है, ठीक है। यहाँ रखेंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ भी जो है सिर्फ ये येलो वाला पोर्शन है। अब सोचेंगे कि येलो कैसे ब्लैक दिख रहा है, तो ब्लैक नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ जो है इस तरीके से दिखेगा। ये सिंगल कलर करेंगे तो ये ब्लैक में ही नज़र आएगा, ये इसकी ब्लैक कलर का पोर्शन दिखा रहा है कि इतना इतना जगह पर ये ब्लैक यूज़ किया गया है, ठीक है ना। ऐसे करेंगे तो दोनों कलर मिल गया, तो अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये आपने देख लिया। तो अगर आप यहाँ लेके चलते हैं, यहाँ अपने कर्सर को यहाँ लेके चलते हैं, यहाँ अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चारों कलर जो 100% दिखा रहा है, ये इसका मतलब इसमें चारों कलर मिला हुआ है। तो यहीं से जो है ये कलर मिलान किया जाता है, ये सब प्रिंटिंग वाले जानते हैं अच्छी तरीके से। तो इतना आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से बनाया गया। तो दोस्तों आपने इसको अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरा चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लें।
और आने वाले टाइम में इसी तरीके से आपको तरह तरह के डिज़ाइन और उसका तरीका, उसके टिप्स, उसके आइडियाज़ मैं आपको बताता रहूँगा। तो ऐसी ही दूसरी वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के मैं जल्द ही हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।